कल हम लोग बात कर रहे थे पब्लिक रिचुअल्स की और पब्लिक डिस्प्ले जो होता है रिलीजन के रिचुअल्स का उसकी, और किस तरह से ये एक कम्युनिटी फॉर्मेशन में हेल्प करता है और एक कसी हुई, एक बंद सी, या फिर आप यूँ कह लीजिए कि टाइटली निट, जिसको कहते हैं टाइटली निट कम्युनिटी जो है वो बनाने में कैसे मदद करता है, जिसमें हम लोगों ने बात शुरू की थी शिया धर्म की या फिर पॉपुलर धर्म शीज़म के रूप में। यानी शिया जो कम्युनिटी है उसका जो पॉपुलर रिलीजन है उसके फॉर्मेशन की बात की थी और जिसने शिया कम्युनिटी को बनने में मदद किया। पहली बात हम लोगों ने बात की थी, एक छोटा बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि शियाइज़्म क्या है, इस्लाम के अंदर जो दो बड़े फ़िरके हैं शिया और सुन्नी, इन दोनों के बिलीफ सिस्टम में बेसिक क्या डिफरेंस है, इन सब चीज़ों की बात की थी। साथ ही हम लोगों ने बात की थी कि जो डिफरेंट प्लेसेस की हम लोगों ने बात की थी कि किस तरह से हम लोग अगर देखें इस पूरे स्टडी को तो समझने की ज़रूरत क्या है कि डिफरेंट प्लेसेस हैं जहां पर ये पब्लिक जो रिचुअल्स हैं वो परफॉर्म होंगे, या इन प्लेसेस को जो है वो उसका ताना बाना क्या है, वो किस तरह से प्लेसेस बन रहे। जिसमें पहली बात हम लोगों ने की थी कि लखनऊ की हम लोग बात करें, अगर हम फर्स्ट देखें प्लेस के रूप में, तो सबसे बड़ा जो ज्योग्राफिकल एरिया जिसकी हम लोग बात कर प्लेस में जिसकी हम लोग बात करेंगे वो था क्या चीज़, लखनऊ का। कि लखनऊ जो है 1775 तक के बहुत छोटा सा शहर है, जब पहली बार असफ़ुद्दौला जो नवाब हैं अवध के, वो पहली बार जब अपनी राजधानी फैज़ाबाद से लेकर के आ रहे हैं कहाँ, लखनऊ में, और लखनऊ में जब वो लेकर के आ रहे हैं फैज़ाबाद से राजधानी, तो लखनऊ की क्या स्थिति है। लखनऊ बेसिक्स एक टाउन है, छोटा सा एक शहर है जहाँ पर ज़्यादातर वर्किंग पॉपुलेशन है, जिस उसकी वजह यह है कि वर्किंग पॉपुलेशन वहाँ कपड़े बनाए जाने के लिए जो है मशहूर है। फिर दूसरी बात हमने कही थी कि बंगाल से रिलेशन था लखनऊ का, और बंगाल के कपड़े और इसका जो ट्रेड होता था एक तरह से, और घोड़ों का व्यापार जो कश्मीर से होता था ये अवध के लखनऊ से होकर के होता था। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस लखनऊ का ऑलरेडी था, लेकिन कल्चरल इम्पोर्टेंस नहीं था और ये कोई सिटी जैसा नहीं था। तो दूसरी बात क्या होती है कि जब उसको लेकर के 1775 में ये राजधानी आ जाते हैं असफ़ुद्दौला, तो असफ़ुद्दौला जो है वो पूरी तरह से एक कायाकल्प कर देते हैं, उसका पूरा पलट देते हैं, और उसमें उन्होंने जो है पूरी जो मैसनरी स्ट्रक्चर्स जितने सारे देख रहे हैं आप, वो वहाँ तेज़ी से बनना शुरू हो जाता है। ठीक, चूँकि अवध स्टेट एक जो है वो शिया स्टेट था, दारुशिया जिसको कह सकते हैं, यानी यहाँ पर जो है वो ये क्या कहते हैं शिया फेथ का जो है केंद्र के रूप में समझा जाता था, इसलिए असफ़ुद्दौला ने उसको पूरी उसी तरह से डिज़ाइन भी किया। असफ़ुद्दौला ने जो है राजधानी की जो है राजधानी की जो विस्तार करने का शुरू किया, उसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स का निर्माण हुआ। और उसी समय में आप अगर देखें तो क्या है कि असफ़ुद्दौला के राजधानी लाने से पहले यहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा नहीं रही होगी। ये जो है राजधानी जो है जब असल में जो मैसनरी स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा जब बनना शुरू हुआ 1780s के अंदर, तब जो है वो बहुत ज़्यादा जो है लोग आ रहे थे, मतलब बहुत बड़ी सिटी बनने लगी लखनऊ। लखनऊ के बनने की वजह ये भी थी कि 1780s के अंदर शायद 1784 में जब अकाल पड़ा, जहाँ अलग अलग जगहों से लोग जो है वो शहर की तरफ आ रहे थे, और अनाज के लिए जिसको कहते हैं फूड राइट्स वगैरह ना हो जाएं, इसलिए कि बहुत बुरा कहत पड़ा था, यानी वर्षा नहीं हुई थी, यहाँ तक करके लखनऊ में भी वर्षा जो है नहीं हुई थी पूरे अवध के अंदर, एक साल तक पूरी बारिश नहीं हुई, और जिसकी वजह से जो है लोगों की फसलें मर गईं और लोग भूखों मरने के नतीजे में आ गए। यहाँ तक कि एक जो स्कॉलर हैं हमारे स्रोत हैं वो कहते हैं कि लोग जो है जानवरों का जो है वो
गोबर तक खाने के लिए मजबूर हो चुके थे। इस बुरी तरह का अकाल पड़ा था और उस अकाल में जो है असफ़ुद्दौला ने जो है अपने पूरे इसको बिल्डिंग्स को बनाने की शुरू की। और वहाँ पर अगर देखा जाए तो ना असफ़ुद्दौला, हसन रज़ा ख़ान, टिकैत राय, इन सब लोगों ने बिल्डिंग की एक्टिविटीज़ को बहुत बढ़ा दिया था ताकि जो वहाँ जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जो भूखे हैं, जिनको खाना चाहिए, अनाज चाहिए, उनको जो है मजदूरी कमा सकें, उनको काम देने का काम जो है इन्होंने किया था। और जिसकी वजह से ये बहुत सारी बिल्डिंग्स जो जो आज हम की डेट में हम लोग देखते हैं, टिकैतगंज हो, रूमी दरवाज़ा हो, या जो बड़ा दरवाज़ा है वो हो, बड़ा इमामबाड़ा हो, ये सारी जो बिल्डिंग्स हैं जिस जो लखनऊ की आज की डेट में पहचान है, ये सारी उसी दौर में बननी शुरू हुई थी। और ये ख़ास करके इसलिए ताकि जो है जो कहत में जो लोग परेशान थे उनको जो है जॉब दी जा सके, उनको काम दिया जा सके और वो जो है अपना खर्च चला सकें और फूड राइट्स भी ना हों। ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं ऐसी सिचुएशन में कि फूड राइट्स अगर होंगी उससे बेहतर है कि उनको काम दिया जाए और वो खाना खा सकें और काम कर सकें। कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो उच्च कुल के लोग थे, बड़े इज्जतदार लोग थे, शुरफा जिनको कहिए, वो भी जो है आ जाते थे, रात के समय में काम करते थे और वो काम करके अपनी मजदूरी ले जाया करते थे। तो इस तरह की सिचुएशन जो है उस ज़माने में थी जब ये बिल्डिंग्स बन रही थी और एक तरह से वो समाज का एक बहुत बड़ा काम भी हो रहा था उस इसमें। इसी प्लेस के अंदर ही हम लोगों ने बात की थी एक छोटे प्लेस की जहाँ पर ये रिचुअल परफॉर्म होना शुरू होगा। तो एक लखनऊ एक सिटी हो गई, उसके बाद उसमें एक छोटा प्लेस है जो है जो जिसको प्लेस ऑफ एक्टिविटी कह लीजिए, वो दूसरा जो होता है वो क्या था, इमामबाड़े का फॉर्मेशन, इमामबाड़ा बनाया जाना। अब ये इमामबाड़ा क्या है, जो इमामबाड़ा की संस्था है, इमामबाड़ा जो एज अ इंस्टीट्यूशन जो इसको इमामबाड़ा कह सकते हैं, उसका आपको थोड़ा सा अगर ईरान का हम देखें तो ईरान के अंदर ये जो इमामबाड़े होते थे वहाँ पर हुसैनिया कहलाते थे। मतलब वो अगर एक तरह से कह लीजिए कि हुसैनिया जो है वो प्रीकर्शर था इमामबाड़ों का, और यही चीज़ जो है, या फिर तकिया भी कहते थे, तकिया या हुसैनिया। ये हैदराबाद रीजन में दक्कन के अंदर आशूरगाह कहते थे ऐसे संस्थाओं को। ये क्या था, ये बेसिकली इमामबाड़ा जो है वो जिस तरह के नाम से ही पता चल रहा है, हम लोगों ने बात की थी पहले भी, मैं सिर्फ उसको थोड़ा सा दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में चढ़ जाए। दूसरा जो है वो क्या चीज़ था, इमामबाड़ा, इमामबाड़ा या आशूरगाह या जिसको तकिया या जिसको हम क्या कह सकते हैं हुसैनिया, तो हुसैनिया या तकिया जो है वो ईरान में कहते थे, आशूरगाह जो है हैदराबाद में कहते थे। इसी तरह से यहाँ पर इमामबाड़ा बनाया गया। इमामबाड़ा के अंदर जो है वो जैसे ईरान के अंदर जो है मजलिस पढ़ी जाती थी, लोग बैठते थे मुहर्रम के दिनों में और करबला के वाक़े को याद करते थे और वहाँ पर इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी कि मतलब वो जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाया जाता था वो बहुत ही खूबसूरत बनाया जाता था। जाहिर सी बात है वो इलीट लोगों के बैठने की जगह थी, जहाँ पर इलीट लोग जो शिया इलीट हैं वो वहाँ पर बैठ करके जो है जिक्र करते हैं उस किस्से को, करबला के उस किसी को याद करते हैं। तो वहाँ पर जो है वो उसी हिसाब का डेकोर जो है एक तरह से तैयार किया जाता था। आपके देखिएगा कि इमामबाड़े के अंदर जो है बड़े बड़े शैंडेलियर्स लगे हुए हैं, झूमर जिसको कहते हैं, और पूरा जो शीशे का काम करवाया हुआ होता था, शीशे का काम या शैंडेलियर्स, इन सब का मेन मकसद ये हुआ करता था कि जब एक चिराग जले तो उसके रिफ्लेक्शन से जो है वो एक तो रोशनी ज़्यादा हो जाए, दूसरी चीज़ जो है चमक दमक दिखे, एक शान शौकत दिखे। तो उसका भी एक बहुत बड़ा रोल था उसके अंदर कि शान शौकत दिखाने की कोशिश थी। जिसका जितना बड़ा इमामबाड़ा है, जो जितना अमीर आदमी है उसका इमामबाड़ा उतना बड़ा होगा। अब इसी इमामबाड़े की जैसे कि हम लोगों ने बात की थी, क्या चीज़ है कि यही इमामबाड़ा जो है असफ़ुद्दौला ने भी बनवाया था। छोटा इमामबाड़ा था, फिर बाद में बड़ा इमामबाड़ा बना। क्या था कि इसमें जो है सिर्फ शैंडेलियर और इस तरह के नहीं, जैसे दीपदान होता है वो दीपदान वगैरह को भी रखा जाता था, बहुत सारे छोटे छोटे जो है वो प्रेजेंट जो होते थे चढ़ा
दावे जो होते थे इमाम हुसैन के नाम के या इमामों के नाम के, वो चढ़ावे रखे जाते थे वहाँ पर। बहुत सारे इस तरह की चीज़ें, जैसे चांदी के ताज़िया जो है वो रखी हुई है, या और किसी तरह के चढ़ावे जो है, दीपदान वगैरह, महंगे दीपदान वगैरह भी वहाँ पर रखे हुए होते थे। शायद असफ़ुद्दौला ने छोटे इमामबाड़े के अंदर ये सारे जो गिफ्ट थे वो बढ़ गए थे, इस वजह से उन्होंने बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था ताकि लोग वहाँ जा कर के अपना ये कर सकें, मजलिस लगा सकें। इसलिए कि मजलिस के अंदर क्या होता था कि जनरली जो है एक मौलवी बैठता था जो मजलिस पढ़ता है, और बाकी लोग ज़मीन पर मतलब दरी बिछा करके या इस तरह से वो बैठ जाया करते थे, और ये मजलिस लिया लगा करती थी, मजलिस जो है। तो इन इन मजलिसों को देखने के लिए भी जो लोग हैं वो बाहर से का मतलब ये है कि शहर के जो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, वो बाहर से आकर के बाहर से ही दीदार कर लेती थी। उन लोगों को अंदर तक रसाई, अंदर तक के पहुंच नहीं थी। हाँ, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो सुन्नी हों, जो वर्कर हैं वो भी आते थे, और वो एक तरह से एक लगाव पैदा करता था उनको, और वो धीरे धीरे जो है इमाम हुसैन के जो है भक्त बन जाते थे। और यही चीज़, यानी इमामबाड़ा ही जो है वो सिर्फ इमामबाड़ा जो है वो यहीं तक नहीं है, मतलब बल्कि आप यूँ कहिए कि बड़े बड़े जो शिया उल्मा हैं या फिर आपके जो बड़े लोग हैं शिया इसके, वो एक उनका एक सेंटर होता था, वो आपस में डिस्कोर्स करते थे वहाँ पर, वो बातचीत होती थी रूलिंग एलीट के बीच में और क्लेर्जी के बीच में, ये सारी चीज़ों का एक सेंटर था। कई दफ़ा जो है वो देखने के लिए मिलता है कि इमामबाड़ों में ही कब्रगाह बना दी जाती थी आसपास में, वहाँ पे जो लोग मरते थे, एलीट लोग जो मरते थे उनकी कब्रें वहाँ पर बन जाया करती थी। जैसे दिलदार अली नसीराबादी नाम के बहुत बड़े पुरोहित रहे हैं, मतलब क्लर्जी मैन रहे हैं शिया इसके, और उनको जो है उन्होंने जो इमामबाड़ा बनवाया, तो वो जो है उसमें कई शिया इमाम, ये शिया जो ये हैं क्लर्जी मैन हैं, उनको दफनाया भी गया है। ये जो इमामबाड़ा हुआ करता था उसको, उसके मेंटेनेंस का भी बड़ा वो हुआ करता था, मतलब मेंटेनेंस के लिए जो है अनुदान वगैरह भी दिए जाते थे, लोग बनाते थे। इसमें बहुत तरह के इंस्टीट्यूशनल ये हुआ हो जाया करता था, एक इंस्टीट्यूशनल कैरेक्टर दे दिया जाता था, ख़ास करके वक्फ बना करके। और ये वक्फ क्या है, ठीक इंडोमेंट जैसे हम लोगों ने अभी और भूमि अनुदान देखा पिछले, इसमें उसी तरह का जो है एक वक्फ बना दिया जाता था, और उसकी इनकम जो है वो दी जाती थी इमामबाड़ों को। कई दफ़ा इन वक्फ को जो है इस तरह से भी इस्तेमाल किया जाता था कि ये वक्फ जो हैं क्या करते थे कि बड़े बड़े लोगों को, इलीट लोगों की जो प्रॉपर्टी है उसको कंटिन्यू करने में जो है मदद करती थी। इसलिए कि जो वक्फ होता है उसकी वो ट्रांसफरेबल नहीं हो, वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, जो प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी को वक्फ कर दिया वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, यानी वो किसी को के द्वारा इनहेरिट नहीं की जा सकती, किसी के द्वारा जो है वो बेची नहीं जा सकती, मॉर्गेज नहीं की जा सकती। इस तरह से वक्फ जो है वो क्या हो जाती है, फ्रीज़ हो जाता है, और वो वहाँ से जो इनकम होती है उसको वो इमामबाड़े को दे दी। लेकिन साथ में ये क्या होता था कि जो वाकिफ होता है, यानी जो वक्फ करता है, जैसे इमामबाड़े को किसी ने वक्फ किया, कुछ ज़मीन वक्फ की कि यहाँ की इनकम से ये इमामबाड़ा चलेगा, अगर इस तरह का कुछ किया तो क्या होता है कि वो जो वाकिफ है वो राइट रिज़र्व करता है कि वो किसको मैनेजर बनाएगा, उसका उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने का अधिकार किसके पास होगा। जनरली जो वाकिफ होते थे वो क्या करते थे कि अपनी फैमिली को आपने बता देते कि तो मेरा जो बड़ा बेटा होगा या मेरी जो ख़ानदान का होगा वही इंसान जो है वो मैनेजर होगा या मुतवल्ली होगा। तो इस प्रकार से क्या होता था कि वो जो फ़ंड मैनेज करने के नाम पर, फ़ंड मैनेज करने का जो काम था वो खुद जो है अपने ख़ानदान में उसको रिज़र्व कर लिया जाता था, वो कर लेते थे, और इस तरह से जो है प्रॉपर्टी भी नहीं बिकी, उस फंड को मैनेज भी किया, और उसकी इनकम जो है किसको दिया, इमामबाड़े को दिया, लेकिन अपने खर्च के लिए वो पैसा रख सकता था, इसलिए कि उसका मेहनताना जो है मैनेज करने का, प्रॉपर्टी मैनेज करने का जो मेहनताना है वो डिज़र्व करता है, वो परमिशन वक्फ की होती थी, इसको लीगल सैंक्शन प्राप्त थी। और इस वजह से बहुत सारे अमीर लोग, इलीट लोग जो थे वो
क्या करते थे कि इमामबाड़ा बनाकर के उसको वक्फ कर देते थे, उसको ज़मीन वक्फ कर देते थे और अपने बाल बच्चों को, आने वाली नस्लों को जो है एक एक करके जो है उसमें इस तरह का इंस्ट्रूमेंट डाल देते थे, इस तरह की चीज़ डाल देते थे कि जिसमें क्या होता था कि वो जो है क्या करेंगे, वो मैनेज करेंगे और उसके बदले जो है वो तनख्वाह ले सकते हैं। तो इस तरह से वो क्या हुआ, प्रॉपर्टी भी वो इंजॉय करने के लिए अपने बच्चों को वो दे सकते थे। तो इस तरह का प्रोविज़न रखा जाता था। कई ऐसे इंस्टेंसेस मिले हैं जिसमें देखा गया है कि किसी ने जो है वो इमामबाड़ा जो है बनाया अपने नाम से, उसको जो है ज़मीनें वक्फ़ कर दी और अपने बच्चों को जो है वो उसका जो है मुतवल्ली बना दिया। तो ये इस तरह की चीज़ें देखी जाती। तो इमामबाड़ा सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक प्लेस नहीं है बल्कि वो एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था के रूप में उसको बनाया जाता था। ठीक, इन इमामबाड़ों के अंदर जो है वो मजलिसों, जैसा कि पहले भी बताया है, मजलिस पढ़ी जाती थी। उसके साथ साथ जो है वो क्या होता था, जो पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं जिस बारे में, साथ साथ में होता था मरसिया पढ़ने का। बहुत सारे जो मरसिया पढ़ने का जो कल्चर था वहाँ पर, इसके अंदर ये आपके जो इमामबाड़े हैं उनके अंदर मरसिया पढ़ने का कल्चर था। ये मरसियों को बहुत ज़्यादा पैट्रोनेज मिला जब अवध का नवाब जो है वो अपने हम इन तरह की इस तरह की मजलिसें करवाने लगे। तो क्या चीज़ था कि दिल्ली के जो बड़े बड़े शायर थे वो भी सब जो है यहाँ आ गए। जैसे आजुर्ता की बात की, इसकी बात की थी, बहुत सारे आजुर्ता की बात की थी, फिर उसके अंदर मरसिया ख़ान में गदा की बात की थी, मिस्कीन की बात की थी, आपको बात की थी हम लोगों ने कि मीर बबर अली अनीस वगैरह, ये सब बड़े बड़े शायर जो हैं वो बड़े मरसिया निगार कहलाते थे और बड़े मरसिया गो हुआ करते थे, वो पढ़ते थे। मरसिया खान कहते थे इनको कि मरसिया पढ़ने वाले लोग हैं, तो ये पढ़ते थे। मरसियों का पहले ही बताया था हम लोगों ने कि मरसियों का क्या चीज़ होता है कि एक लय है, एक सुर है, एक ताल है, उसका इस्तेमाल किया जाता था। उस पर भी एक आर्टिकल है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक, तो क्या चीज़ है कि लय, सुर, ताल, ये सब चीज़ें जो है मरसियों की हुआ करती थी और उसी के ऊपर जो है मरसिए पढ़े जाते थे। इस तरह से ड्रामेटाइज किए जाते थे कि जिससे जो है इंसान का जो इमोशन है वो उखड़ करके सामने बाहर आ जाता था। ठीक, तो इसी तरह की बातें हैं इसके अंदर। एक प्लेस तो ये हो गया आपका, पहली प्लेस जो है वो आपको लखनऊ हो गई। दूसरा प्लेस जो है हम लोगों ने देखा कि इमामबाड़ा एज ए इंस्टीट्यूशन जो है वो एक प्लेस है इसका रिचुअल्स का। तीसरा जो है अभी हम लोग देखते हैं जैसी लखनऊ के अंदर ही अवध की, जिसमें क्या रुस्तम नगर का की दरगाह है, जहाँ पर बताया था, ध्यान होगा कि मिर्ज़ा फ़कीरा नाम के एक व्यक्ति थे जो इराक़ के जो करबला है वहाँ से, वहाँ उनको झंडे की एक कलंगी मिल गई थी और वो कलंगी को जो है वो लेकर के आए और उन्होंने कहा कि ख्वाब में उन्होंने देखा कि ये कलंगी जो है किसकी है, अब्बास अलमदार के झंडे की है। अलमदार उनको अब्बास इमाम हुसैन के जो है वो सौतेले भाई थे और उनको जो है अलमदार इसलिए कहा जाता था कि वो फ्लैग बियरर, जिसको बियरर ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ इस्लाम कह सकते हैं आप, वो थे। और उनके झंडे की, उनके अलम की जो है कलंगी जो है उन्होंने देखा ख्वाब में कि वो मिल गई है उनको, और उसको जो है वो अपने घर रुस्तम नगर के घर में लेकर के आए, जो सिंपल सा घर उनका था, और उस घर में ला कर के रखा। लोग ज़ियारत करने के लिए जो पॉपुलर लोग थे, मतलब इंसान, आम इंसान जो थे, ये इलीट लोग नहीं थे, जो फ़कीरा जो थे वो ये कोई इलीट इंसान नहीं थे, इसीलिए जैसे बहुत सारे आम इंसान जो है वहाँ आने लगे और वो ज़्यारत करने लगे, दर्शन करने लगे आकर के कलंगी का। और इसी दौरान जब आसफ़ुद्दौला को ये ख़बर मिली तो उसने जो है क्या किया कि उनके घर के ऊपर जो है पूरा एक स्ट्रक्चर बना दिया, एक डोम बना दिया, जिससे जो है एक तरह से जो है एक सैक्रेड स्पेस की तरह से वो डेवलप हो गई। मिर्ज़ा फ़कीरा जो है वो उसके कर्ता धर्ता बने रहे। और उसके बाद जो सबसे बड़ा ड्रामेटिक चेंज जो इस दरगाह के अंदर आया वो आया 1803 के अंदर, जब सादत अली ख़ान नवाब थे 1801 में, और उनकी तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है और वो जब एक मनौती मानते हैं, वो मन्नत मांगते हैं
कि जब वो ठीक हो जाएंगे तो क्या करेंगे, वहाँ तक जाएंगे, दरगाह पर ज़ियारत के लिए जाएंगे। और 1803 में जब वो ठीक हो जाते हैं तो पूरा अपना जुलूस लेकर के जो है वो रास्ते में पैसे बांटते हुए, गरीबों के बीच में बहुत सारा चीज़ें बांटते हुए, पैसे लुटाते हुए जो है वो जाते हैं ज़ियारत करने के लिए, कहाँ, रुस्तम नगर की उस दरगाह के ऊपर जो दरगाह ये अब्बास कहलाने लगी है। तो वो दरगाह अब्बास कहलाने लगी है। और दरगाह अब्बास क्या है, वो कलिंग झंडे के कलिंगे की उसकी क्रेस्ट जो है उसकी दरगाह है, वहाँ पर वो रखा हुआ है। अब वहाँ जब वो गए तो उन्होंने ऑर्डर दिया सादत अली ख़ान ने कि पूरा जो आपका ये है जो वो दरगाह है, उस पूरी दरगाह की बिल्डिंग बनवाई जाए। और उन्होंने पूरी बिल्डिंग बनवाई। और इस तरह से जब इतनी बड़ी इलीट हस्ती का, इतने बड़े नवाब का जो है वहाँ जब विज़िट हुई तो क्या चीज़ हुआ कि एक पॉपुलर इमेजिनेशन में उसका असर गया और वो पूरी तरह से जो है वो एक तरह से मेन नक्शे के ऊपर आ जाती है। अब ये जब चीज़ें हैं तो आपको मकबरे के अंदर जो पहले ही शुरू हो चुकी थी बहुत सारी चीज़ ज़्यारत, आम लोग जो है वो अपनी मन्नत लेकर के जाने लगे थे, किसी को बच्चे के लिए जा रहे थे, किसी कोई बीमार है उसके लिए जा रहे हैं, किसी को ये है बच्चे की यानी किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो उसके लिए जा रहे हैं। तो इस तरह से वो मन्नत का एक जगह बन ही चुकी थी ऑलरेडी। और जब नवाब पहुँच गए वहाँ सादत अली खान, जब वो पहुंच गए तो क्या चीज़ हुआ कि लोगों को और ज़्यादा उसके अंदर ये हुआ, फिर उसमें चढ़ावा भी बहुत ज़्यादा आने लगा। ज़्यादातर जो इलीट घराने थे लखनऊ के वो सब वहाँ पहुँचने लगे। जब वहाँ पहुँचने लगे तो क्या होगा, उन्होंने बहुत सारे दान वगैरह किए, चांदी की जो है ताज़िया दान की है, बहुत सारी और सारी चीज़ें हैं सब वहाँ पर रहने लगी। अब ये जगह जो हो गई इलीट लोगों के विज़िट करने की जगह हो गई थी। अब जब इलीट लोगों की जगह हो गई तो क्या हुआ, सादत अली ख़ान ने जो है वहाँ पर जब बिल्डिंग बन चुकी थी तो उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर एक पुलिस चौकी भी बना दी, ताकि वहाँ पर पुलिस जो चौकीदार हैं, पुलिस के लोग हैं, वो क्या कर सकें, गश्त कर सकें, और कुछ जो आवारा तबके के जो लोग होते हैं उनको दूर भगा सकें। कि इसलिए कि जो इलीट महिलाएं हैं वो विजिट करती हैं वो दरगाह, तो क्या चीज़ होना चाहिए, एक दूरी होनी चाहिए। और कई दफ़ा जुलूस जो है वो इलीट लोगों का, इलीट महिलाओं का, इसको शुरफा का जो इसको कहते हैं वो लोगों का आता था, तो घोड़े से और सैनिक पीछे चले आ रहे हैं, और इस तरह से करके एक अच्छा खासा जो है वो मजमा के साथ आते थे। और इस वजह से उनको जो है एक स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो उस दरगाह का बन गया, उसके स्पेशल जगह बन गई। ठीक, हर जुमेरात को वहाँ पर जो है लोग लगातार इलीट फैमिली के जो लोग हैं वो आ रहे हैं। मिर्ज़ा फ़कीर बेग के बाद, जब मिर्ज़ा फ़कीरा जो है उनकी, फ़कीर बेग जो है उनकी डेथ हो गई, तो उनके बेटे ने जो है फ़तेह अली जो है मकबरे के वो उत्तराधिकारी बने और उन्होंने वो मैनेजर एक तरह से देखभाल करने वाले बन गए। हैं 1820 के आसपास जो है उन काफ़ी नकदी पैसे और कपड़े वगैरह, चादरें वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आती थी जिसको वो फ़तेह अली जो है उस समय में जो है लोगों को बांट दिया करते थे। ठीक, इन सब चीज़ों की ये सारी जो बाद में फिर वो जो बांट देते थे उसका फिर बाद में इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करना शुरू कर दिया, उसका भी जो है संस्थागतीकरण हुआ। और उसको कैसे किसी को दिया जाए, उसका पूरा एक मैकेनिज्म तैयार किया गया। तो कहने का मतलब क्या है कि एक जो संस्था जो अपने आप पॉपुलर इससे जो उभर करके आई थी, उसका संस्थागतीकरण, उसका जो है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो है वो रेगुलर तरीके से हो रहा है। इसलिए कि जो इलीट है वो पैट्रोनाइज करने की कोशिश कर रहा है, किसी भी इस तरह की इसको जो है वो पैट्रोनाइज कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए मतलब इसका विरोध नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि जो उलमा वर्ग है जो कानून से चलता है, धर्म के कानून और किताबों से चलता है, वो पॉपुलर रिलीजन को इतना आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा। बहुत सारे जो उलमा वर्ग के लोग हैं उन्होंने जो है क्वेश्चन भी किया इस चीज़ के ऊपर
कि ये प्रमाणिकता के ऊपर कि क्या ये जो कलंगी लेकर के आए हैं, आए थे फकीरा मिर्ज़ा फकीरा, वो क्या सही थी वो कलंगी, उसकी उस पर संदेह किया कि ये जो है वो ये सच में जो है उसने जो है सपना देखा या सच में इमाम इसका अब्बास अलमदार का जो है वो झंडे की कलंगी है। इस पर बहुत सारे लोगों ने जो है उस ज़माने के उलमा ने जो है वो संदेह प्रकट किया, लेकिन ये संदेह जो है वो बहुत ज़्यादा दिन तक के वो काम नहीं कर सका। उसकी सिर्फ ये वजह रही है कि इलीट लोगों का जब उसके ऊपर हाथ आ गया यानी पैट्रोनेज हो गया, तो क्या चीज़ है कि इलीटों के साथ जो है उलमा का को जाना पड़ता है, वो जाना पड़ा उनके साथ। तो इसलिए ऐसे ही जो है आप देखिएगा कि सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ ये है मकबरा है, अब्बास के झंडे का मकबरा है, हज़रत अब्बास के झंडे का मकबरा बना दिया है, बस इतना ही ऐसा नहीं है। कई दफ़ा बहुत सारे लोग जो है चित्र भी बनाया करते थे, अब इमाम हुसैन का, इमाम हसन का, प्रोफेट मोहम्मद का, इनका चित्र भी उस ज़माने में बनाते थे और उसको जो है वो अपने घरों में रखते थे और उसकी ज़ियारत किया करते थे, उसका दर्शन किया करते थे और स्पिरिचुअल जो है वो सोलिस प्राप्त किया करते थे। लेकिन इसमें जब इस तरह के रिवाजों की जब जानकारी मिली, सैयद दिलदार अली जो एक उलमा थे, उन्होंने इसकी भर्त्सना की और उन्होंने कहा कि इस तरह की चीज़ें जो है वो बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, ये जो है जो परंपरा है शिया परंपरा है उसके खिलाफ है। तो बेसिकली क्या चीज़ है कि हमें देखने के लिए मिल रहा है कि जो डिफरेंट प्लेसेस हैं या जो उससे रिलेटेड रिचुअल हैं उनको बड़ी जल्दी इलीट लोग है हथिया रहे हैं, और चूँकि उलमा का विरोध भी हो रहा है, लेकिन क्या चीज़ें होता है कि उलमा के विरोध के बावजूद जो इलीट लोगों का जो पेट्रोनेज मिल रहा है पॉपुलर धर्म को, तो क्या चीज़ हो रहा है, उलमा मजबूर हो जा रहे हैं, एक तरह से वो एक्सेप्ट करने पर मजबूर हो जा रहे हैं उन चीज़ों को जो पॉपुलर धर्म ने जो है एक तरह से संस्था जो बनाई है। अब आते हैं हम लोग, ये तो प्लेसेस की बात होगी, अब हम लोग बात करेंगे मुहर्रम का जो रिवाज है, जो रिचुअल है मुहर्रम का, वो क्या है। असफ़दुल्लाह के आप यूँ समझिए कि जो ये हैं क्या नाम है मुहर्रम का जो रिचुअल है वो एक ज़माने में सभी लोग साथ मनाते थे, मतलब शिया भी हैं सुन्नी भी हैं, वो सब लोग मनाते थे, ताज़िया भी निकालते थे, लेकिन मातम की एक अलग पद्धति को ही एक तरह से जन्म दे दिया गया अवध के अंदर, एक लखनऊ के अंदर एक नया ही उत्साह देखने के लिए मिला इस मातम और जो मुहर्रम मनाने का तरीका था उसको। आप ये समझिए कि मुहर्रम के में जो असफ़ुद्दौला जो असफ़ुद्दौला जो नवाब हैं वो जो है क्या करें कि 1784 के टाइम के इसमें नवें दिन जो है उन्होंने दसवें दिन जो आशूरा का दिन है, दसवां दिन मुहर्रम का, उसके अंदर इतना ज़्यादा उन्होंने मातम कर लिया, उन्होंने अपने पीठ पर इतना कोड़ा बरसाया खुद से हैं कि वो लोहा लुहान हो गए, और उसके बाद जो है वो दसवें दिन के बाद जो है वो बीमार पड़ गए। तो इस तरह से नवाब हो करके इतना खुद के ऊपर कोड़ा बरसाया, अपने मातम किया जिसको मातम कहते हैं, तो वो किया, तो ये एक लोगों के दिमाग में जो है ये जाकर के बैठ जाता है ये चीज़ें। ऐसे ही एक जानकारी मिलती है कि कोई एक सिंपल करदाता खेतियर इंसान है जो ऐनुद्दीन, वो क्या करता था 1779 का ये किस्सा है 1779 का, कि वो अपने घर का सारा सामान ले करके बैठ जाता था सड़क पर और जो 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 भी मांगता था उससे, जो उसके पास था उसमें से अगर कोई भी कुछ भी मांगता था वो उसको दे देता था। तो ये मुहर्रम का जो एक मोहब्बत के साथ जो लोग मनाते थे, जो कमेमोरेट करते थे इमाम हुसैन की याद के अंदर कुछ भी दान करने के लिए तैयार हैं, इतना बड़ा नवाब जो है वो कोड़े मार मार करके खुद को लहूलुहान कर लेता है, एक आम किसान जो है वो अपने घर का सारा सामान दान करने के लिए तैयार बैठा हुआ है, इस तरह की चीज़ें जो है हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। और इस मुहर्रम के इसमें जो है
दानपुन के अलावा जो है महिलाएं जो हैं पुरुष हैं ये सब जो है वो सबीले बांट रहे हैं, यानी गुलाब जल का पानी भी गुलाब जल जो है वो बांट रहे हैं लोगों को पीने के लिए दे रहे हैं। इसलिए कि ऐसा ट्रेडिशन ऐसा माना जाता है कि इमाम हुसैन और उनके जो पूरे कुंबे थे उनका पानी बंद कर दिया गया था, तो उसकी याद में जो है लोगों में पानी बांटा जाता है और गुलाब जल बांटा जाता है, खुशबू के साथ शरबत बांटा जाता है। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं कि वो याद है उनकी, उस याद के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं कि इमाम हुसैन और उनके जो पूरे कुंबे को जो है पानी के बगैर तड़पाया गया था, तो इसी वजह से जो है वो क्या है वो पानी जो है वो लोगों में बांटते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है आपको देखने के लिए मिलेंगी कि एक एक बड़ी कॉस्टली सा अफेयर बन गया था नवाबों के टाइम में, ख़ास करके असफुद्दुल्ला के टाइम में। सादत अली जो एक तरह से असफुद्दुल्ला का के ऊपर एक तरह से बिठाया हुआ एक आदमी था, जो अंग्रेज़ों ने एक तरह से बिठाया, वो उत्तराधिकारी था, सक्सेसर था, यानी कि सादत अली को बिठाया था अंग्रेज़ों ने। तो सादत अली थोड़ा सा कम खर्च करने पर मतलब उनको पैसे कम दे रहा था अंग्रेज़ जो है वो, उनकी कब्ज़ा कर लिया था एक तरह से, कंट्रोल कर लिया था उनको, तो भी वो खर्च कर रहे थे। तो पुराने नवाबीन का जो जेवर था उस तक को जो है बेच करके उसको गला करके जो है उन्होंने जो है खर्च किया, लेकिन कभी भी उस लेवल तक नहीं पहुँच पाए। बाद के जो ये थे नवाब थे जो जो आसफुद्दौला जिस लेवल का जो खर्च करते थे ये मनाने में मुहर्रम मनाने में, तो बाद के समय में जो है आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो ये हैं क्या नाम है नवाबीन हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो भी उतना ही खर्चीला मुहर्रम मना रहे हैं। बाद के पीरियड में बहुत सारे जो 1800 और 1820 के आसपास जो बहुत सारे बाहर के लोग आए हैं वो ये समझ ही नहीं पाते थे कि ये शोक मनाया जा रहा है या सेलिब्रेशन है, ये कमोमरेशन है या सेलिब्रेशन है। तो मुहर्रम के अंदर जो वो बीच की जो चीज़ थी वो ख़त्म हो गई थी, तो जुलूस निकाला जाता था जिसके अंदर नगाड़े अलग अलग तरह के वाद्य यंत्र जो भारतीय शहनाई वगैरह का जो तुर्री जिसको कह लीजिए वो भारतीय ये बहुत सारे ये हैं यंत्र हैं वाद्य यंत्र हैं और इस तरह की चीज़ें जो है वो ऊँट पे चली जा रही है, इस तरह की चीज़ें जो है वो बनाई जाती थी। जुलूस जब निकाला जाता तो बहुत बड़ा बड़ा जुलूस निकाला जाता इसके अंदर, उसके बाद जो है लोगों के इसके अंदर जो है वो जुलूस निकाला जा रहा है, जुलूस के अंदर जो है पूरा फौजी एकदम अटायर है, फौजी तरीका है, तलवारें ले जाई जा रही हैं, तलवारों को उल्टा लटकाया हुआ है, धनुष बाण लटकाए हुए हैं, पूरा जो है बच सजे संवरे जो है पूरे ये सैनिक जो है इसके नवाब के वो चल रहे हैं, हाथी से जो है जुलूस निकल रहा है, पीछे आगे आगे जो है वो दुल यानी इमाम हुसैन के घोड़े का जो है के प्रतीक के रूप में घोड़ा चला जा रहा है, वाइट सा सफ़ेद घोड़ा जो है वो चलाया जा रहा है, उस पर जो है घोड़े के ऊपर जो है पगड़ी रखी हुई है, जीन खाली जीन है उसके ऊपर पगड़ी रखी हुई है, जो पगड़ी सिंबलाइज करती है इमाम हुसैन की शहादत का कि उनकी डेथ हो चुकी है, उनकी शहादत हो चुकी है, और वो चले जा रहे हैं, पैर में जो है घोड़े के खून निकल रहा है, इस तरह की वो बनाई जाती थी और उसमें बहुत सारे लोग शामिल होते थे। ये ख़ास करके वो मौका होता था जिसमें आम पब्लिक एक जो आम वर्कर है वर्किंग क्लास जो लोग हैं वो भी शामिल हो सकते थे। क्यों? इसलिए कि इमामबाड़े के अंदर वो वर्किंग क्लास जो है वो शामिल नहीं हो सकता था, ये जो वर्किंग क्लास है वो शामिल हो सकता था कब? जब जुलूस निकल रहा है, वो उसको देख रहा है, उसको ये कर रहा है, एक तरह से पूरे शहर के अंदर एक जो शोक का जो माहौल है, एक जो एक इमाम हुसैन से एक लगाव है वो पैदा हो जाता था। एक तरह से देखिए तो क्या चीज़ होता था कि जो आम इंसान है वो उस पूरे मुहर्रम के प्रोसेस से जो है वो पूरे प्रोसेशन से जो है वो पूरी तरह से जुड़ जाता था, इसलिए कि हर एक चीज़ जो है पब्लिक प्लेस के अंदर वो पूरी तरह से रम जाते थे, और वो चूंकि जो आपको पब्लिक डिस्प्ले है वो पब्लिक का पार्टिसिपेशन और डिस्प्ले दोनों एक साथ हो जाता था, जिसकी वजह से क्या होता है कि सब लोग जो है इसको कमेमोरेट करने लगते थे।
तो अब आप जैसे और इसी क्रम में जो है वो सारे लोग जिसके पास जितना पैसा है जिस तरह की औकात है उस हिसाब का जो है ताज़िया बना करके उस जुलूसों में ले जा रहे हैं, उनका अपना अपना जुलूस निकाल रहे हैं। जब नवाब का जुलूस चला गया तो उसके बाद जो है उसके साथ साथ जो है वो अपना अपना जुलूस निकाल रहे हैं, वो ताज़िया बना रहे हैं, छोटे से लेकर के बड़ा जो बड़े अमीर आदमी हैं वो ताज़िया जो है वो कुछ कुछ चांदी का ताज़िया निकाल रहे हैं, ताज़िया जो है कुछ कुछ लोग जो है वो बांस के ताज़िया बना रहे हैं और वो ताज़िया जो है वो चमकीले कागज़ों से बनाया हुआ और ये सारी चीज़ें वो ताज़िया निकाल रहे हैं। और वो ताज़िया जो है कई दफ़ा क्या चीज़ था कि ताज़िया जो है आपके हर एक इंडिविजुअल इमामबाड़े के अंदर रखा जाता है, वहाँ से निकाला जाता है और वहाँ वो जुलूस में ले जाया जाता है। लोगों के पास अगर खाने को भी पैसा नहीं है लेकिन वो साल भर जो इस बात के लिए पैसे जोड़ रहा है कि वो ताज़िया निकालेगा और ताज़िया निकालने की मन्नत भी हुआ करती थी। और बहुत सारे लोग जो है एक स्टेटस का भी की बात होती थी कि किसकी ताज़िया किस तरह की है या उस जो जुलूस में उसका पार्टिसिपेशन है वो किस तरह का है। तो कई दफ़ा क्या होता था कि जो लोग हैं वो क्या करते थे कि जुलूस निकाल करके और क्या करते थे कि अपना पार्टिसिपेशन इस तरह से दिखाने की पड़ोसी के होड़ में जो है वो ताज़िया निकाल करके, मतलब उससे बड़ी मेरी ताज़िया होनी चाहिए, उससे अच्छी मेरी ताज़िया होनी चाहिए, इस तरह का जो है एटीट्यूड देखने के लिए मिलेगा। और वहाँ पर जो है जो गरीब आदमी है वो भी अपने आप को सोशली अपलिफ्ट करने के लिए, अपने आप को सोशली जो है ऊपर दिखने के लिए जो है, यानी जिसको आप कह सकते हैं कि सोशल वेल्थ हासिल करने के लिए, यानी आप जिसको कह सकते हैं कि सोशल कैपिटल जिसको मैक्स वेबर ने कहा है वो हासिल करने के लिए एक तरह से वो कोशिश करते हैं कि इस चीज़ में ताज़िया को जो है ज़्यादा खर्चीला और बड़े बनाने की कोशिश की जाती है। तो इस तरह से जो है पूरा मुँह ये है, पूरा जो जुलूस है और ताज़िया का उसमें जो तामझाम है वो पूरा, वो सारी चीज़ें जो है वो क्या करते हैं कि वो बड़ी इम्पॉर्टेंट एक तरह से एक सेलिब्रेशन बना देती है, पब्लिक सेलिब्रेशन एक तरह से बना देती है। और यही सारा प्रदर्शन जो है देखने के लिए मिलता है। अब ये प्रदर्शन जो है जिसके अंदर पार्टिसिपेशन जो है सिर्फ किसका है, सिर्फ जो है वो पार्टिसिपेशन जो है वो ज़्यादातर, मतलब जो पार्टिसिपेशन दोनों का है एक तरह से, लेकिन इसमें भी क्या है बताया, जैसे कि जो नवाबों का जुलूस है वो अलग है, उसमें लोग बाहर से देख रहे हैं, उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, और जो आम आदमी का जुलूस है वो अपना आम आदमी का भी जुलूस अलग से बन रहा है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि भले ही लोग बैठ रहे हैं एक दूसरे एक इमाम हुसैन के ज़रिए से जो है वो सब जुड़ रहे हैं, लेकिन सामाजिक जो दूरी है, सामाजिक जो क्लास है, उसका ख्याल रखा जा रहा है। ना वो इमामबाड़े के अंदर जो है वो क्लास ख़त्म हो रहा है और ना ही जो है आपको जुलूस के अंदर वो क्लास ख़त्म हो रहा है। जुलूस जो चलते चलते जो है मरसिया पड़ रहा है और ये सारी चीज़ें कर रहा है, उसके अंदर भी पार्टिसिपेशन जो है वो आम आदमी का नहीं है, वो उसमें सिर्फ ख़ास लोगों का जो जुलूस है उसको देखने वाले लोग बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन उसमें क्या चीज़ है, अगर वो जुलूस आगे आगे जा चुका है तो पीछे पीछे उसके अपना जुलूस ले करके जा रहे हैं, वो छोटी ताज़िया है, वो उस तरह की चीज़ें हैं। मतलब जो वर्किंग क्लास का जुलूस है वो एक तरह से दूसरा हो जाता है और जो इलीट क्लास का जो जुलूस है वो दूसरा हो जाता है आगे में, जब चूँकि इलीट क्लास के साथ जो है हाथी चल रहे हैं, घोड़े चल रहे हैं, ऊँट है आपके, उसके अंदर जो तलवार हैं और बंदूकची भी बैठे हुए हैं जो कई दफ़ा जो है वो जो पैसे उड़ाए जा रहे हैं और इस तरह से जो बहुत सारे महंगे सामान भी ले जाए जा रहे हैं उनकी रक्षा भी हो रही है, इलीट लोग जो आगे जा रहे हैं उनकी भी हिफाजत हो रही है बल्कि उससे, या और एक तरह का रिचुअल भी परफॉर्म हो रहा है। तो ये दोनों तरह की चीज़ें जो है वो देखने के लिए मिल रही हैं, लेकिन क्लास का ख्याल रखा जा रहा है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। अब जो जैसे इमामबाड़े की बात की थी तो उसी इमामबाड़े के अंदर जो है एक तो रिचुअल आपका देख लिया मुहर्रम का, हम लोगों ने कि मुहर्रम का इंस्टीट्यूशन है, उसी इंस्टीट्यूशन के अंदर एक दूसरा इंस्टीट्यूशन भी जो है विद इन ये इमामबाड़े के जो इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर जो है एक इंस्टीट्यूशन, एक तरह से जो है मजलिस का अहतमाम भी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। मजलिस का अहतमाम क्या है, मजलिस में पहले तो एक पहले जैसे कि बताया उलमा जो है वो उलमा की एक तकरीर भी हो सकती है मजलिस में, लेकिन मजलिस में जो है बयान करने वाले जो हैं वो दूसरे होते हैं और वो बयान करते हैं, वो जो दह मजलिस किताब से जो एक एक दिन का जो
बयान है उसको पढ़ा जाता है, और उसमें फ़ारसी में पढ़ने वाले लोग हैं, ऐसे ही औरतें भी पढ़ती हैं फ़ारसी के दह मजलिस को, अपने औरतों की महफिल में पढ़ते हैं और मजलिस में पढ़ते हैं जो जनान खाने के अंदर होती है। और यहाँ जो मर्दान खाने वाली जो मजलिस है, यानी इमामबाड़े वाली जो मजलिस है, उसके अंदर जो है मर्द हैं घर के, और लोग जो हैं बाहर के जो यार दोस्त हैं उनके, वो जा रहे हैं और उसमें जो है मजलिस पढ़ी जा रही है। ऐसे ही सोज खानी हो रही है, जिसके अंदर जो है मरसिया खानी हो रही है, और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बड़े बड़े जो वो सोज खान और मरसिया खान जिसको कहते हैं, वो सारे लोग आ रहे हैं। हाँ, इन मजलिस के बाद क्या होता था कि जैसे एक ये हुआ, मजलिस हुई, और मजलिस के बाद जो है वो क्या होगा कि सबसे पहले मजलिस, मजलिस के मतलब क्या हो गया कि दह मजलिस जो है वो पढ़ी गई, उसमें जो है ये बताया गया मतलब कि आज क्या हुआ था, आज के दिन क्या हुआ था। उसके बाद जो है क्या होता है, उसके बाद खड़े होते हैं, नज़र होती है, नज़र का मतलब हुआ इमामों के नाम गिनते हैं, और उनसे जो है बारहों इमाम के नाम गिनते हैं, और गिनने के बाद जो है उनसे जो इमाम जिस तरह की चीज़ों के लिए जाना जाता है उससे उस तरह की दुआ मांगी जाती है। और उसके बाद फिर नंबर आता है तवर्रा का, जो इमाम का नाम गिवाना जाता है उसको तवल्ला कहते हैं, और जो इसको उसके बाद जो सेरेमनी होती है वो तवर्रा कहलाती है। तो पहले जो है तवल्ला होता है जिसमें इमाम के नाम गिने जाते हैं, नज़र होती है, और तवर्रा उसको कहते हैं जिसमें जो प्रोफेट मोहम्मद के जो तीन खलीफा जो बाद में हुए, जिनको ये शिया जो है वो ये मानते हैं कि इन्होंने जो है हड़प लिया अधिकार, किसका, अली का और उनके ख़ानदान का। तो इस वजह से जो है अबू बकर उमर और उस्मान को जो है बुरा भला कहते हैं, उनको श्राप देते हैं, और वो श्राप देने का जो कृत्य है वो क्या कहलाता है, वो तबर्रा कहलाता है। इमामों को जो गिनने का जो बताया आपको वो क्या चीज़ है, वो तवल्ला कहलाता है, उनको की तारीफ कहलाती है। तो ये तवल्ला और तबर्रा ये दो चीज़ें हैं। ठीक, अब ये जो तबर्रा है, कई दफ़ा शिया और सुन्नियों के बीच जो है मतभेद का, और सिर्फ मतभेद का नहीं, लड़ाई झगड़े का, यहाँ तक कि कई दफ़ा जो है वो दंगे हो जाया करते थे, इसका जो है एक वो कारण बना करता था कई दफ़ा। लेकिन इन सब के बावजूद, हाँ, ये तवल्ला और तबर्रा के बावजूद जो है कई दफ़ा क्या होता था कि तवल्ला और तबर्रा के बावजूद क्या होता था कि ये एक एक कम्युनिटी बनने का एक वो फॉर्मेशन हो रहा था एक तरह से। ये तवल्ला और तबर्रा जो है एक तरह से कम्युनिटी को जोड़ रहा था, जिसके अंदर जो है किसी पूरी जो कम्युनिटी है, शिया कम्युनिटी जो है वो क्या चीज़ है, वो अपने आपस में एक दूसरे से जुड़ रही है मुहर्रम के टाइम में, ये चीज़ें हैं। लेकिन साथ में इन सब चीज़ों को करने के बावजूद, इसलिए कि सुन्नियों के यहाँ भी जो है वो अवध से पहले जो है वो शोक मनाया जाता था मुहर्रम का, और उस चीज़ को, और वो जो मरसिया खानी का जो कल्चर रहा है या जो कल्चर बना है, उससे जो पब्लिक के अंदर एक सोसाइटी, मतलब पब्लिक के अंदर जो एक सिचुएशन पैदा होती थी, इमोशन पैदा होता था, इससे जो है लोग जुड़ जाते थे उस तबर्रा के बिना भी। वैसे ही जो है अगर हिंदुओं के बारे में कहा जाए तो चूंकि नवाब ने क्या किया था, मुहर्रम के समय में किसी भी तरह की हिंदू सेरेमनी को भी बैन लगा रखा था, वो मना कर दिया था। तो क्या चीज़ होता था कि हिंदू भी एक तरह से खींच सकते थे, सुन्नी भी खींच जाते थे उस चीज़ से, तबर्रा की वजह से, लेकिन उसके बावजूद जो है एक ऐसा एटमॉस्फेयर जो है क्रिएट हो गया था कि सब लोग जो है फिर वो इमाम हुसैन के अंदर ही, उन्हीं की याद के अंदर लग गए एक तरह से। और देखा जाए तो कुछ दिन के लिए सारे के सारे जो लखनऊ वासी हैं, वो लखनऊ के जो लोग हैं, वो सब के सब इमाम हुसैन के भक्त बन जाते थे, इसलिए कि लखनऊ का जो पैटर्न सेंट माना जा रहा है जिसको अगर कहा जाए तो वो इमाम हुसैन बन चुके थे। तो इस तरह से पूरा शहर जो है वो गूंध जाता था एक तरह से, उस प्रोसेशन के अंदर गूंध गया कि ये जो है चाहे वो सुन्नी हो, भले ही वो तबर्रा के ख़िलाफ़ हैं, या कई कई दफ़ा जो है वो दंगे भी हो जाते हैं सुन्नी और शियाओं के बीच में, उसके बावजूद जो है वो इमाम हुसैन के फ़ैन हो जाते हैं एक तरह से, वो इमाम हुसैन के गम में जो है वो डूब जाते, और पूरा शहर जो है उस तरह का एक बन जाता है। ऐसे ही जो है हिंदू भी जो है वो क्या कर रहे हैं, जो गैर मुस्लिम हैं
वो भी जो है वो क्या कर रहे हैं कि इमाम हुसैन इस चीज़ों के बावजूद कि वो कोई सेरेमनी नहीं मना सकते या बैन कर दी गई हो वो सेरेमनी, उसके बावजूद जो है वो क्या चीज़ हो जाते थे कि इमाम हुसैन के गम में ही हो जाते थे। एक तरह से तरीका चल गया कि इसमें मुहर्रम के समय में कोई भी सेरेमनी ना हिंदू करेगा, ना मुसलमान करेगा, ना शिया करेगा, ना सुन्नी करेगा और ना ही हिंदू करेगा। तो इस तरह से क्या चीज़ है कि और पार्टिसिपेशन देखने के लायक मिलता था कि हिंदुओं का भी पार्टिसिपेशन, सुन्नियों का भी पार्टिसिपेशन उस पूरे जुलूस के अंदर। कई जो अंग्रेज़ ऑफिसर हैं वो जो वहाँ पे रह रहे हैं वो देख करके बड़ी ताज्जुब कर रहे हैं कि कुछ दिनों के लिए जो उनका एक हिंदू नौकर है वो क्या चीज़ होता है कि 10 दिन के लिए वो पूरी तरह से जो है वो शिया बन जाता है। उसने इस तरह से देखा कि वो पूरी तरह से इमाम को डिवोट कर दे रहा है अपने आप को और वो पूरी सेरेमनी में जो है पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इस तरह से हम लोगों को देखने के लिए ये मिलता है कि जो चाहे वो हिंदू बहुसंख्यक हों या सुन्नी हों लखनऊ के सब शामिल हो रहे हैं उस पूरे रिचुअल के अंदर, पूरे जो प्रोसेशन के अंदर वो सब के सब शामिल हो रहे हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि पूरा जो लखनऊ है वो एक तरह से हुसैनमय हो गया है, हुसैन की याद में डूब जाता था। इस तरह का जो पब्लिक जो डिस्प्ले है, जो रिचुअल है, जो पब्लिक में जो परफॉर्म हो रहा है, उससे क्या होता है कि हर इंसान जो है वो उस मरसिए में उस जुलूस के जो एक दृश्य है, वो मार्मिक दृश्य है, उसके अंदर वो जो है गूंध जाता है। जाहिर सी बात है, एक चीज़ इस तरह की फीलिंग हो जैसे हर एक इंसान के घर में जो है एक तरह से मातम फैल गया हो, और वो सारी चीज़ें जो है वो इमोशन को बहुत ज़्यादा झकझोर देती थी, और वो उस इमोशन में, दर्द के इमोशन में, चाहे वो शिया हो या गैर शिया हो, मुसलमान हो या यानी सुन्नी हो शिया हो या गैर सुन्नी गैर शिया हिंदू हो, सब लोग एक तरह के इसमें बन जाया करते थे। अब इन सब चीज़ों के बावजूद आप देखने के लिए मिलेगा कि पॉपुलर रिलीजन में जो दर्द कर्ब को का जो शो करने का तरीका था, जैसे सीना पीटने का, जैसे कोड़ा खुद को मारने का, नवाब तक कोड़े मार रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो है जो मुज्तहिद कहलाते हैं या जो उलमा कहलाते हैं वो जो है उस पर ऑब्जेक्शन लगाते थे। उनसे पूछा जाता कि कितना ये सीना पीटना जो है कितना जायज़ है, तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादातर का ये मसला होता था, वो ज़्यादातर ये जवाब देते थे जो उलमा थे, ख़ास करके जैसे आका अहमद बिहबानी वगैरह जो हैं, वो कहते थे कि ये जो रिवाज है ये सीना पीटने का, ये सही नहीं है तब तक कि जब तक इंसान अपने होश में है। यानी जब तक आप होश में हैं तब तक अगर आप सीना पीट रहे हैं तो ये जायज़ नहीं है, ये सही नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि उलमा वर्ग जो है भले ही क्या कर रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को क्वेश्चन कर रहा है, टोक रहा है, उसके बावजूद पॉपुलर जो धर्म का जो पॉपुलर रूप है वो क्या हो रहा है कि वो शुरू तो होता है, वो उनके हिसाब से शुरू होता है, और उसको जब सपोर्ट इलीट का मिल जाता है तो वो क्या होता है कि जो उलमा वर्ग है वो भी जो है उसको एक तरह से उसको काट नहीं पा रहा है। तो कुल मिला करके क्या देखते हैं पूरे इसमें कि इस प्रोसेशन से जो लखनऊ का जो पूरा एरिया, जो कभी पूरा जो लखनऊ है एक तरह से उस मुहर्रम की पूरे प्रोसेस में, पूरे प्रोसेशन के अंदर ऐसा डूब जाता था पूरा का पूरा लखनऊ कि उसको हुसैन के अलावा या उनके उस करबला के वाक़े के अलावा कुछ उस समय तक के दिखाई नहीं देता था एक तरह से। और एक तरह से क्या हो रहा है कि जो चाहे वो इलीट कम्युनिटी हो, चाहे वो नॉन इलीट शिया कम्युनिटी हो, एक तरह से वो एक दूसरे से इतना बुरी तरह से वो जुड़ जाते हैं एक तरह से एक कम्युनिटी के रूप में, जो कहीं बिखरे बिखरे हुआ करते थे मुगलों के समय में, इन नवाबों के समय में जो है ये क्या हो रहे हैं एक संगठित तौर से जो है वो उभर करके सामने आ रहे हैं, एक कम्युनिटी बन जाती है। और बल्कि अगर आप देखिएगा तो लखनऊ में कहा जाता है
कि किसी एक के नहीं हैं हुसैन, वो शिया के भी हैं, सुन्नी के भी हैं और हिंदुओं के भी हैं। तो लखनऊ की इस तहजीब के अंदर जो है वो एक शामिल हो जाता है पूरी तरह से। तो क्या चीज़ है कि कहने का मतलब है कि एक जो रिचुअल है, जो पब्लिक में जो रिचुअल किया जाता है, उससे एक कम्युनिटी भी बन रही है, साथ साथ में जो है आप यूँ समझिए कि जो एक पूरा जो कल्चर जिसके लिए जाना जाता है, जो एवर लास्टिंग है एक तरह से, या फिर यूँ कहिए कि भले ही स्टेट के पास पावर नहीं है, इसलिए कि स्टेट के पावर तो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, और स्टेट की पावर भले ही कम है, लेकिन वो जो रिचुअल एस्पेक्ट है, जो रिचुअल जो आपको देखने के लिए मिलता है, वो जो है क्या कर रहा है, उसको एक तरह से नवाब को अमर कर देता है। ठीक उसी तरह से अभी आप देखिएगा 1820s के अंदर जो है रामनगर रामलीला जो है वो जिस तरह से बनारस में शुरू होती है, वो भी कुछ इसी तरह का सिचुएशन है, जिसके अंदर क्या होता है कि राजा जो है एक तरह से अमर हो जा रहा है उसके अंदर, इसलिए कि रामनगर की रामलीला के अंदर पार्टिसिपेट भी इंसान कर रहा है, वही जो परफॉर्म कर रहा है एक तरह से। तो स्टेज पूरा पूरा कोई एक स्टेज नहीं है, पूरा पूरा स्टेज जो है वो पूरा पूरा गांव है, शहर है, पूरा पूरा स्टेज। तो इस तरह से क्या चीज़ है कि वो विश्व प्रसिद्ध बन गई है। तो इसी तरह से क्या चीज़ है कि क्या हो रहा, पूरा शहर जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है किसके साथ, राज परिवार के साथ। वैसे ही जो है यहाँ पर भी देखने के लिए मिलता है कि जो अवध के नवाब हैं, लखनऊ की ये कल्चर जो उन्होंने तैयार किया है, उसके अंदर जो लोकल इलीट और नॉन इलीट और जो भी वहाँ पर रहने वाले जो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है, सब के सब उसके अंदर शामिल हो रहे हैं, और एक तरह से एक वेल निट सोसाइटी क्रिएट कर रहे हैं, एक तरह से एक तहजीब और कल्चर शुरू कर रहे हैं, एक तरह से एक कम्युनिटी बन जा रही है। ना केवल वो शिया कम्युनिटी है, बल्कि वो कम्युनिटी जो है लखनवी कम्युनिटी एक तरह से तैयार हो रही है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि किस तरह से जो है किसी हिस्टोरिकल इवेंट को मिथिकल ढांचे में ढाला जाता है, और उसको किस तरह से ऑपरेटिव पार्ट में रिचुअल्स के द्वारा जो है उसको सोसाइटी के अंदर ऑपरेट किया जाता है। कई दफ़ा ये जो है वो जानबूझ के किया जाता है, स्टेट के द्वारा जो है वो ये किया जाता है, कई दफ़ा ये अपने आप शायद हो जाता है। लेकिन इसमें जाहिर सी बात है पैट्रोनेज का बहुत बड़ा रोल होता है, स्टेट के पैट्रोनेज के बिना कुछ नहीं हो सकता, और स्टेट जो है बिना सोचे समझे किसी भी जगह पर अपना पैट्रोनेज एक्सटेंड नहीं करता है, वो सोच समझ करके पैट्रोनेज अपना देता है। तो आज के लिए यहीं तक, मेरे ख्याल से फिर आगे दूसरी चीज़ बात करेंगे, दूसरी बारे में बात करेंगे। थैंक यू।